अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है जो के हैं इंटरनेट लवर्स। बहुत से लोगों के पास वाईफाई कनेक्शन नहीं होता या फिर डीएसएल कनेक्शन नहीं होता, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि अपनी मोबाइल से टीथरिंग करके या फिर वायर्ड कनेक्शन लेके लैपटॉप या फिर पीसी में चला रहे होते हैं इंटरनेट। पर यहाँ पर एक इशू आता है, इनके पास होता है लिमिटेड डेटा। यानी कि अगर आपने एक वीक का पैकेज किया है या फिर आपने एक मंथ का पैकेज किया है जिसमें आपको मंथली मिलता है 10 GB का डेटा, और अब जब आप इसे कनेक्ट करते हो किसी भी लैपटॉप से या फिर पीसी से, तो होता क्या है, जैसे ही इंटरनेट ऑन होता है तो वहां पर आपकी अपडेट्स चलना शुरू हो जाती हैं। अब आपके पास है लिमिटेड डेटा और उसे भी चलाना है आपने पूरा महीना या फिर पूरा वीक। अगर आपके पास वीकली 3 GB है मिसाल के तौर पर, अब उसको आप पीसी से कनेक्ट करोगे तो अपडेट्स हैं वही आपकी जो हैं 1 घंटे में पूरी हो जाएंगी, तो पूरा पैकेज तो 2 घंटे में ही पूरा हो गया। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि आपने कुछ ऐसी सेटिंग करनी है अपने पीसी में जहां पर आपकी डेटा बच सके और फिर जो है आप अनलिमिटेड सर्फिंग कर सकते हो पीसी या फिर लैपटॉप पर। तो चलिए मैं वो सेटिंग आपको बता देता हूँ, छोटी सी सेटिंग है और बहुत ही फायदेमंद है। तो सबसे पहले जब आपके पास ये डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपने इंटरनेट सेटिंग ओपन करनी है। तो मेरे पास यहाँ पर इंटरनेट पहले से ही कनेक्ट है। अब आपको कहोगे यार इसके पास पहले इंटरनेट है और हमें ये बता रहा है कि मोबाइल से कनेक्ट करो, तो वो ऑप्शन कहीं पर भी यूज हो सकता है, वाईफाई हो, मोबाइल डेटा हो या कोई और चैनल। तो सबसे पहले आपने सेटिंग ओपन कर लेनी है। मेरे पास विंडोज 11 है तो आप विंडोज 10 में ये फीचर आपने फाइंड कर लेना है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो और सामने की तरफ होगा कंट्रोल पैनल, तो यहाँ पर भी आपने फाइंड आउट करना है सेटिंग, इंटरनेट सेटिंग वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं सर्च आउट कर लेता हूँ कि ये मुझे ऑप्शन कहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सिस्टम में चलते हैं, तो ये सिस्टम ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से ओपन होगा आपके पास सिस्टम। तो आपने सिंपली यहाँ पर आप जब इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, ब्लूटूथ डिवाइसेस, नेटवर्क, इंटरनेट। हमें सिर्फ ये थर्ड वाला ऑप्शन चाहिए जो कि मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, तो ये कुछ अलग से कुछ मेन्यू बार आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ अलग से ऑप्शन नज़र आएंगे, पहले होगा इथरनेट, फिर होगा प्रॉपर्टीज़, फिर होगा डेटा यूजेज। तो सिंपली हमने जो है प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में चले जाना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कुछ और सेटिंग नहीं करनी, बीच में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो कि एक मैजिक है, और यहाँ पर इस पर लिखा होगा मीटर्ड कनेक्शन। अब मेरी तरफ से तो ये ऑन है, आपके पास ये ऑफ होगा, तो सिंपली जो है इस चीज़ को आपने ऑन कर देना है। अब होगा ये कि जो भी अनवांटेड सिस्टम अपडेट्स होंगी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स होगी, ये उन्हें कहेगा कि ये सिस्टम जो है मीटर्ड पर है, एक लिमिट पर है, यानी कि इसमें जो डेटा आ रही है वो एक लिमिटेड है, तो अनवांटेड अपडेट्स को फिलहाल कैंसिल कर दो, जब अनलिमिटेड इंटरनेट होगा तब जाके इसको अपडेट कर लेना, तो फिलहाल ये डिसेबल कर देगा। अब जो चीज़ आप ओपन करोगे सिर्फ वही चलेगी, अदरवाइज सब सस्पेंड कर देगा सॉफ्टवेयर। जब आप इसको ओपन करोगे कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। अब अगर आपने कुछ लिमिट लगानी है किसी भी सॉफ्टवेयर पर, अब आप जो है रोज इसे कनेक्ट करना चाहते हैं मोबाइल डेटा से, तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं जहाँ पर आप जो है इंटरनेट की स्पीड यूजेज या फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपली ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप इंटरनेट पर आकर जो है इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जो है इसे लिमिट कर सकते हो अलग अलग कैटेगरीज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ सेट डेटा लिमिट, मेरा मंथली बेस्ड है, वाईफाई कनेक्शन है फाइबर का, तो उसमें कोई झंझट नहीं है। अगर आपके पास जो है वन टाइप आपने यूज़ करना है तो वो लगा सकते हो, अनलिमिटेड तो अनलिमिटेड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप वन टाइम करना चाहते हो तो जो इसमें कैटेगरीज है डे अनटिल डेटा एक्सपायर्स या कुछ ऐसा, तो वो आप लगा सकते हो। तो कितने MB की डेटा है आपके पास, कितने GB की है, तो वो आप लिमिट लगा सकते हो। मेरे पास इंटरनेट फाइबर है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो आप इसे फ़ायदा उठा सकते हो। होप सो कि मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त से पहले मिल सके।